ॐ गुरुभ्यो नमः ॐ गणपतये नमः ॐ हुं हनुमते नमः ॐ रं रामाय नमः ॐ मातेश्वर्य नमो नमः ॐ नवदुर्गाय दशमहाविद्याय अष्टमहाकालिके अष्टमालक्ष्मे अष्टसरस्वते जगज्जननी आदिमाता मातेश्वर्य नमो नमः ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ॐ राजराजेश्वरी माँ भगवती चैतन्यमयी आनंदमयी मातेश्वर्य नमो नमः ॐ स्तनदेवी स्तनवताय क्रमदेवी क्रमदेवताय इष्टदेवी इष्टदेवताय कुलदेवी कुलदेवताय नमो नमः ॐ नवग्रहेभ्यो दशदिगपालेभ्यो ॐ द्वादशराशिभ्यो सर्वनक्षत्रेभ्यो नमो नमः ॐ ॐ पितृपुरुषाय नमो नमः ॐ शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः श्री सूर्य नारायणाय नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल। मैं आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला ओडिशा से बात करेंगे कर्क राशि शनि का कुंभ गोचर कैसा रहेगा। आने वाला 2023 17 जनवरी से शनि बाबा जब चले जाएंगे कुंभ के राशि के अंदर 2025 तक किस प्रकार का आपको फल कितना अच्छा कितना बुरा सबको तनाव हो चुका है। आने वाला है शनि का ढैया। क्या ये सब बोल रहे हैं सच या झूठ? नहीं, सच तो बोल रहे हैं। क्या कष्ट देगा? हाँ कष्ट तो देगा, लेकिन मैं कहता हूं कष्ट से ज्यादा आपका आयु को बढ़ाए। तो बात करेंगे कि कितना अच्छा और कितना बुरा, क्या क्या दे सकता है, कब कब दे सकता है, क्या पूरा 23 से लेके 25 तक कष्ट मिलेगा? नहीं, बीच में कुछ जगह अच्छा भी मिलेगा। अच्छा अच्छा मिलेगा? हाँ अच्छा मिलेगा, टेंशन होने का कोई बात नहीं। तो क्या इसके कष्ट से नहीं बच सकते? नहीं नहीं बच सकते, लेकिन चाहोगे तो बच सकते। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं है, दे डोंट नो एट ऑल कि ढैया क्या होता है, साढ़े साथी क्या होता है, कंटक क्या होता है, पनौती क्या होता है। फील्ड ऑफ कॉन्फिडेंस, आप शहर वालों के लिए तो सबका ढैया साढ़े साथी है, हमारे जंगल में रहने वाले जितने सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, किस बात का ढैया का डर है बताओ? चले जाना हमारे गुरुकुल में, देख के आना, बोलना भी सुन तेरा कर्क राशि है, ढैया लगने वाला है। बोले तो कौन नहीं, पीपल गच जड़ी गच अस्वस्थ गच में तिल जगा देंगे, ठीक हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस है शनि के प्रति। कोई बात नहीं है, कर्क राशि वाले ढैया तो आ रहा है, कष्ट तो होगा। कैसा कष्ट होगा इसको जानने के अभी के लिए आपके आसपास अगर कोई मिथुन राशि वाले हों उनको पूछना। क्या सबको? नहीं, बच्चों के लिए तो शनि बाबा खेलते हैं, युवाओं के लिए जो शनि बाबा उनके साथ क्रिकेट करते हैं। फिर दर्द किसका? नेचुरली जो युवा से थोड़ा बुढ़, फिर कष्ट किसे? बोला जिसका कुंडली में ऐसे नेगेटिव दशा अंतर दशा टाइम जोन खराब हो, फिर कष्ट किसे? शनि बाबा कष्ट उसे देते हैं जो काम करना नहीं चाहता है, बिन काम का कुछ ऊपरी हवा करना चाहता है, ऊपरी ऊपरी कमाना चाहता है, बिना मेहनत का रोजगार चाहता है। शनि बाबा उन्हीं को ठोकाई कर देते हैं, पीड़ा उन्हीं को आता है। फिलहाल अष्टम स्थान को बहुत सारे लोग कंटक शनि कहते हैं। इस बात का क्यों प्रूफ है कि बोला हाँ, लाखों हजारों कुंडली देख के मैं देखा हूं लोगों के जीवन में अष्टम शनि वालों का हालत क्या है। किसी का कुंडली में देख लेना अष्टम शनि आसपास का होगा, उसका जिंदगी देखो कैसा है। हालांकि अलग अलग रहता है, अष्टम शनि आयु के क्षेत्र में ऐसे किसी स्थिति से आपका आयु को बढ़ाता है, तो ये तो बढ़िया जोन हो गया कि अभी कुछ भी हो जाए आप 25 तक तो मरोगे नहीं, आयु बढ़ा देगा। अच्छा कोई बात नहीं, कंटक फिर जिंदगी कंटकित हो जाता है,
कर्म, देखो शनि बोल के नहीं, अष्टम में जो भी ग्रह चल रहा हो या कुंडली में अष्टम का स्थान पे जो जो बैठे हैं जीवन पे, आप देख लो आपके जीवन पे बाधा विघ्न कष्ट चोर चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा देने का कारण बनते हैं, और उसके आधार पर जो जो भी व्यक्ति विशेष आपके जीवन पे होंगे देख लेना। उदाहरण कर्क राशि के अष्टम स्थान पे पकड़ लो, यहाँ बुध बैठा है या शनि बैठा है या मंगल बैठा है, तो मंगल के अधिकृत जो भी राशि है लग्न है या उसके कारकत्व में जो भी हैं आपके जीवन का बाधा का कारण बनेंगे, वो पराये लोग हो या अपने लोग हो, अपने परिवार का हो चाहे बाहर का, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो ज्ञात हो अज्ञात हो, वो आपके जीवन पे बाधा बनाएंगे, और वहां पाप ग्रह अगर है तो बाधा से मुक्ति, वो कारण बनते हैं आपके चोर चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा गुप्त घटनाएं बहुत कुछ। तो ऐसा एक स्थान पे अष्टम स्थान गुप्त स्थान, अष्टम स्थान को कहा गया है मरण तुल्य पीड़ा का स्थान, चोर चपेट एक्सीडेंट का काम स्थान, कभी कभी इसको रोग का भी स्थान कहा गया है, ऐसा रोग गुप्त रोग इसको कहा जाता है, गुप्त अंग का भी स्थान है ये अष्टम स्थान। तो शनि बाबा कर्क राशि वालों का इसी अष्टम स्थान पे आ रहे हैं। अष्टम का शनि को ढैया, चतुर्थ शनि को ढैया कहा गया, पंचम शनि को पनौती कहा गया, लग्न से द्वादश और लग्न के ऊपर और लग्न के आगे का साढ़े साथी कहा गया, जो लोग नया लोग को समझ जाओ। और यहां कष्ट का स्थान है, नरक का स्थान है, इसको श्मशान भी कहा गया, जिसका जो अष्टम है उसको वही कहा गया। और वहां शनि आ जाए, और शनि जब आते हैं तो उस चीज को बढ़ा देते हैं, शनि का काम है जहां बैठेगा उसको एक्सटेंशन कर देंगे बढ़ा देंगे, जहां देखेंगे उसका विनाश कर देंगे, उसके दृष्टि में विच्छेदात्मकता है और हानिक तत्व है, आग है जला भी देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शनि दुष्ट अधो दुष्टवा, शनि को अधो दुष्ट करके प्रणिपात करना, उनके आंख में नहीं देखना, ऐसे काली माँ के बारे में भी कहा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। इस अष्टम स्थान किसका घर है? कुंभ राशि। कुंभ माने क्या हुआ? ऑस्पिशियस प्लेस। कुंभ माने क्या हुआ? काल पुरुष का एकादश स्थान। एकादश स्थान माने क्या हुआ? उत्तरोत्तर बलिक्रम, बढ़िया स्थान। तो काल पुरुष का वहां क्या होता है? कोई भी प्लैनेट बढ़ता है तो वो बढ़ता है, यानी शनि बढ़ाएंगे और वो स्थान भी काल पुरुष के अनुसार यूनिवर्सल लेवल पे बढ़ाएगा, यानी यहां तो और बढ़ने वाला है क्या? आपके लिए कष्ट, आपके लिए दुख, आपके लिए पीड़ा, आपके लिए अशांति, आपके लिए समस्या, आपके लिए हॉस्पिटल का रास्ता, आपके लिए कोर्ट कचहरी माली मकदमा का रास्ता, आपके लिए ध्वंस प्रलय महाबर्बाद, महाध्वंस महाप्रलय महाबर्बाद का। डरा रहे हो? नहीं, फिर आगाह कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, सावधान सावधान, बच नहीं सकते, पक्का बचोगे 100%। मिथुन का पार हो गया, आपका नहीं पार होगा, धरती में पहला बार हो, मंगल से आए हो, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो से आए हो, काहे टेंशन भाई, ना कुछ कौनो नहीं होई भाई, को रहे ना किच्छू हो बे ना, किच्छू हो बे ना, एम नहीं हो जावे, अरे भाई किच्छू हो बे ना ही, का हुई कौनो नहीं हुई, कांटा हवा किसी नहीं हुए, बिना फालतू टेंशन है, क्लियर? हाँ तुमको मजाक पड़ा है, हमरा का तो फट रहा है, ना ना मैं कह रहा हूं ना कुछ नहीं होगा, अरे निकाल ले जाएंगे, कौन बचाएगा जब शनि मारे? नौटंकी कर रहे हो, इधर से बोल रहे हो बचाओ, इधर बोल से कौन मारे जब शनि मारे? यस, शनि मारे तो काली बचाए, शनि ठोके तो हनुमान बचाए, ठीक है? तो इसके लिए चिंता मत करिए, बस खाली ये जानना है कि क्या क्या घटेगा, कब कब घटेगा और कैसा होगा। यहाँ बैठ के ये तो समझ में आ गया, फिर यहाँ से इनका दृष्टि आपके कर्मस्थान पे जाएगा, तीसरा दृष्टि 8, 9, 10 कैरियर के स्थान पे जाएगा, कैरियर में उथल पुथल बर्बादी झमेला झंझट झगड़ा प्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट प्रोन डिमोशन नौकरी छूटना संभावना है, सबका होगा नहीं कह रहा हूँ, संभावना है, चांसेस मोर। कब? जब यहां से गलत काम किए करते करते आए होंगे, उनके लिए शनि दंडाधीश होते हैं,
जो गलत किया है, चोरी चमारी, ठगी, आलसी, डाउटरी, दलाली, ऊपरी कमाई, इलीगल रिलेशन, इलीगल कनेक्शन, इलीगल इनकम, छाल छूल के साफ सुथरा करते हैं, ज्यादा कुछ एरियर के क्षेत्र में आपके धन स्थान पे शनि का दृष्टि, इसीलिए इसको कंटक कहा गया। देखो करियर धन स्थान, आप वाणी का स्थान, वाणी में क्रूरता, परिवार में विच्छेद, क्लियर, वाणी परिवार धन, वाणी परिवार मुख्य, तो ये हाउस पे शनि का दृष्टि जाना है। कोई मित्र दृष्टि तो नहीं है, शत्रु दृष्टि है, और अभी ये यहाँ पर राहु का भी दृष्टि है और यहाँ पर मंगल का भी दृष्टि है, और ये पूरा साल इधर मंगल का गोचर चलेगा, द्वादश लग्न द्वितीय, इधर धन हानि, इधर प्राण पीड़ा, इधर मान हानि, इस बार पीछे से भी ठोकाई और आगे से भी ठोकाई। हाँ, आपको मजा लग रहा है, ऐसा कर रहे हो, मैं बचाने का भी रास्ता बताऊंगा, क्या बात का टेंशन। दसम दृष्टि शनि बाबा का जाएगा आपसे पंचम, हृदय दिल, पढ़ाई लिखाई, पेट उधर, भाई डेटिंग वोटिंग, लवरा लवरी वाले पूरा सावधान, बिना फालतू का आप फिर फोन करोगे नहीं तो व्हाट्सएप करोगे, सर छोड़ के भाग गोइल का करें, हम बोलेंगे गोइल भोई पानी में भूले नु जा, अभी तोरा याद करके रोवत है और का करो, तो रोते रहो, ठीक है नो, चलो आपको मजाक पड़ा है, हैं बड़ा हंस रहे हो, तो अनी का कहा होगा हम हो देखी, अरे आप हो गया पंचम स्थान, शिक्षा में बाधा, एग्जामिनेशन दो और सब पढ़ के तैयारी होके जाओ, लिखते समय देखना कि कहीं ढीला हो रहा है, संभावना है, होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, प्लीज मन में मेरा बात को पकड़ के नेगेटिव नहीं हो जाना, ये जनरल सब कोई बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, हम अच्छा नहीं हैं, याद रखना शनि का साढ़े साती ढैया कंटक पनौती एक साइकोलॉजिकल फोबिया है, इससे निकलो, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्लासिकल टेक्स्ट में देख सकते हो और कहो तो किताब निकाल के दिखा दें, बड़े बड़े ताल की पोथी भी हैं, तो मन में इस प्रकार का भावना नहीं रखना, ठीक है, इससे हटो, काम करो, काम, बाधा आएंगे फिर भी काम करो, कर्म से शनि बाबा खुश हो जाते हैं, जहां कर्म से भाग्य बदलता श्रमनिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाते कवि की वाणी है, कर्म करें कर्म लीन बने, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण, है बाबू सब गाना से तो हम समझ रहे हैं कि तुम ये कह रहे हो कि हमारा कोई दोस्त या नहीं रहेगा, ये कंठुकुआ में हाँ नहीं रहेगा फिर भी अकेले चलना पड़ेगा, दर्द देता होगा, पीड़ा देता होगा, कल तक मालिश वाला होगा आज नहीं मिलेगा, अपने ही लोग छोड़ के भागेंगे, हाँ हाँ अच्छाई के लिए शनि बाबा सिखाएंगे आपको, बेटा अकले चलो, अकले चलो, अकले चलो रो, यदि तुम्हारे डाक सुने सुने क्या हो ना आए, अकला चलो रे, अकला चलते होवे दारुण कष्ट होवे, होवे ना करते होवे, हो जाएगा करोगे तो, यही सिखा रहे हैं कि सुन तेरा काम तेरे हाथ में कर, गांधी बाबा बन, यही है और कुछ नहीं। क्या पूरा इतना 23 से 25 तक होगा बाबा जी? ना ना ना, कह रहे हैं सुनिए कैसा होगा। अब यहां कर्क राशि में 3 नक्षत्र पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा है, पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है, पुष्य आश्लेषा, शनि बाबा कहां बैठे हैं? धनिष्ठा में, ठीक है, तो टारगेट कौन हो गया? धनिष्ठा सतभिषा पूर्ववत, ये 3 नक्षत्र। अब आपके नक्षत्र से क्या पढ़ रहा है यहां? तो सबसे पहला पुनर्वसु कर्क राशि, तो पुनर्वसु कर्क राशि ये पुनर्वसु गुरु का है, और गुरु का जो नक्षत्र, गुरु का जो नक्षत्र यहां
अगर बात करते हैं तो यहां से काउंट कर लेते हैं यहाँ क्या पड़ेगा, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र अति मित्र, बढ़िया तरह में आ रहे, मित्र अति मित्र और जन्म। पूर्व भाद्रपद इटसेल्फ गुरु का नक्षत्र है आपके लिए, टेक टेक टेक, इलेवन इलेवन इलेवन। तो क्या फिर कंटक शनि कहाँ गया, ये तो सब अच्छा बोल रहे हो, पूरा 11-33 नंबर दे दिए, सब अच्छा बोल रहे हो, कोई बात नहीं। बात करते हैं कर्क राशि पुष्या नक्षत्र कैसा रहेगा, गिन लेते हैं, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र अति मित्र, एक क्रॉस बाकी दो राइट, 11-11 फुल मार्क, प्रारंभिक स्थिति का थोड़ा सा बुरा रहेगा। ओके, कर्क राशि श्लेषा नक्षत्र, तो श्लेषा नक्षत्र को फिर काउंट कर लेते हैं, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक साधक बाधक मित्र, साधक बाधक मित्र, ऊपर वाला पूरा ठीक, नीचे वाला मार्च 2023 के बाद अच्छा अच्छा फिर अच्छा, और आपका मार्च 2023 अच्छा, मार्च के 2023 के बाद ये जो नक्षत्र रहेगा वो आपके लिए क्रॉस चार्ट, ये टाइम पीरियड दंड का टाइम। तो ज्यादातर पुष्या कर्क राशि का अश्लेषा नक्षत्र के लिए क्रॉस है, पुष्या के लिए पहला गुण क्रॉस है, फिर दोनों भाग अच्छा है, पार कर जाओगे। लेकिन जो भी पीड़ा आएगा मानसिक लेवल पे आएगा, क्या क्या आएंगे, कर्म में बाधा, कर्म में डिले, जहां चाहते हो तीन बार प्रयास करना पड़ेगा, मानसिक अवसादता दे सकता है, पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकता है, कहीं ना कहीं आग लगने का संभावना है, धोखा होने का संभावना है, चोरी जाने का संभावना है, ना चाहते हुए भी किसी को कुछ बोल दिया और बाद में वो आपके लिए विच्छेद हो गया, दूर हो गया, तो इस प्रकार के कुछ समस्याएं आएंगे, बचने का कोई रास्ता है, बोला हाँ, अष्टम का शनि को कोई कंट्रोल कर सकता है तो एक ही है, वो है अष्टम का रानी माँ काली और बाबा हनुमान। तो ये समय, मैं तो इतना नेगेटिव गिनाया, लेकिन एक अच्छा चीज ये भी है, अकल्ट साइंस को बढ़ाता है, रिसर्च में सफलता देता है, गुप्त धन प्राप्ति का बहुत संभावना है, सडन गेन करवाता है, आयु को बढ़ाता है, बाक सिद्धि देता है, इस समय किसी को कुछ बोल दो लग सकता है, इंट्रोस्पेक्शन बढ़ेगा, त्रिकालदर्शी हो सकते हो, बहुत कुछ ऐसा चीज जीवन में सीख जाओगे, देख जाओगे जो अब तक नहीं देखा नहीं सीखा। तो इन सारे प्रकार के फायदा भी हैं, और जीवन में आज विगत 30-20 साल 27 साल से जो नहीं सीखे इस 3 साल में सीख जाओगे, तो इसको पॉजिटिव लें और माँ काली और हनुमान के शरण में अब से चले। सबसे बेस्ट बचने का कोई तरीका, सुंदराकांड का पाठ नित्य हो, बहुत शुभ फल देता है, कभी आपको गलत कष्ट में नहीं डालेगा, कभी हॉस्पिटल चोर चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा नहीं देगा, चैलेंज है। और इस 3 साल में अगर, ये 2.5 साल में अगर आप 1000 सुंदराकांड का पाठ कवर करते हो तो आपसे महानतम और पुण्यतम और पूज्यतम तो कोई हो ही नहीं सकता। अगला फिर 9th का शनि तो और वारे न्यारे कर देगा, और 10th में एकादश संभाल नहीं सकते, बहुत उन्नति होता है, इसलिए इसे बुरा नहीं समझना है, मेंटल फोबिया नहीं बना देना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना ना भूले, संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418, मेल आईडी SANJYZE SANJAYG75@gmail.com। धन्यवाद, नमस्कार।